हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु सीरीज ऑफ प्रशासनिक गुरुकुल। आज हम फिर से करंट अफेयर्स और हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अपने यूपीपीसीएस प्रीलिम्स क्लियर करने के चांसेस को बढ़ाएंगे। तो पहला सवाल है करंट अफेयर्स से, ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स 2023 जो जनवरी में आया है, तो यहाँ पे मंथली हमेशा आता रहता है ये, और रैंक करता है वर्ल्ड के रिचेस्ट पीपल को। तो ऐसा 2021 में हुआ था कि जो गौतम अडानी है वो थर्ड रैंक पे आ गए थे, लेकिन हम 2023 जनवरी की बात कर रहे हैं, तो ये इनका रैंक अभी क्या है? वो है 11th रैंक। दूसरा है, भारत में कितने लैंग्वेज ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं? लैंग्वेज ग्रुप क्या होते हैं? जैसे हमारी जो भाषा है, असम में बोली जाती है, नागालैंड में, मणिपुर में बोली जाती है, तो ये एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं, जैसे हम अपनी फैमिली को बिलोंग करते हैं, राइट? तो ये चार फैमिलीज हैं, ऑस्ट्रो एशियाटिक, तिब्बतो म्यांमारी, इंडो आर्यन और द्रविडियन। ओके, तो इन्हीं में हमारी सारी लैंग्वेजेस आती हैं। तो हमारा आंसर होता है 4 लैंग्वेज ग्रुप्स जो हैं इंडिया में हैं अभी। अब यहाँ पर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, उसके बारे में स्टेटमेंट दी है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। तो कैट जो है, क्या ये क्रिएट किया गया है बाय द एक्ट इन 1985 अंडर आर्टिकल 323A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सही है ये स्टेटमेंट। दूसरा है, ये एस्टेब्लिश की गई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो आंसर होगा सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। 323A जो है उसमें भी ट्रिब्यूनल्स फॉर्म होते हैं और 323B में भी ट्रिब्यूनल्स फॉर्म होते हैं। अब फर्क क्या है? 323A के ट्रिब्यूनल्स सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट फॉर्म कर सकती है, और जबकि 323B जो है उसमें स्टेट लेजिस्लेचर भी फॉर्म कर सकती है, उनको ये अधिकार है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है बार्स के ऊपर। देखिए, बार जो है इसको बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है QR कोड से, और ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि ये बंद भी हो जाए, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें स्टेटमेंट्स देखनी है और करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। क्या बार जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी डिजिट 0 और 1 को, जो हमारा डिजिट है 0 to 9 को प्रोसेस करता है बाय अ डिजिटल कंप्यूटर? बिल्कुल सही है। द मेजॉरिटी ऑफ दिस कोड्स यूज ओनली 2 डिफरेंट विड्थ ऑफ बार्स, लेकिन कभी कभी ये 4 विड्थ ऑफ बार भी यूज कर लेते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और हमारा आंसर होता है सी। ओके, एराविकुलम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां पर फर्नेरियम बनाया गया है, जैसे एक्वेरियम होता है फिशेस के लिए, यहाँ फर्न्स जो हैं जो एक ऑर्नामेंटल पर्पस होल्ड करती हैं, तो ऐसा ही बनाया गया है। बहुत सारी स्पीशीज हैं यहाँ पे फर्न्स की, तो ये केरला में है। ठीक है, तो हमें 2 चीजें पता चलती है, एक तो केरला स्टेट में फर्नेरियम बनाया गया है पहला, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एराविकुलम नेशनल पार्क जो है यहाँ कहाँ पर है? ये केरला में है। डोमिंगो पेस जो है इन्होंने विजिट किया था इंडिया को ड्यूरिंग विच रूलर? तो यहां पे आंसर होगा कृष्णदेव राया। अब देखिए, यहां पे इन्होंने विजिट किया और काफी डिटेल अकाउंट भी दिया है वॉल्स का, स्ट्रीट्स का, घरों का, मार्केट का, कैसे होता था एडमिनिस्ट्रेशन का। चलिए, इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टोगेमिक गार्डन जो है वो इनॉग्रेट हुआ है किस स्टेट में? तो ये उत्तराखंड में इनॉग्रेट हुआ था, क्योंकि ये फर्स्ट है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। शिवा कुमारा स्वामी जो हैं, उनको इनकार्नेशन माना जाता है किन का? बसवेश्वरा का। ये जो हैं लिंगायत कम्युनिटी के गुरु हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, 12th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। इनका बिलीफ था कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, और यहाँ प्रधानमंत्री जी ने शिव कुमार स्वामी जो हैं उनको ट्रिब्यूट दिया है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इनको हम बसवेश्वरा जी का क्या मानते हैं? अवतार मानते हैं। चलिए, अगला सवाल है, कौन से ग्रेन्स जो हैं स्टोन एज को बिलोंग करते हैं? तो बार्ले, वीट एंड राइस, वीट हो गया, कॉटन हो गया, तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से उगते हुए आए हैं। अगला सवाल है, बुद्धा ने एनलाइटनमेंट जो है अटेन की थी वो किस नदी के पास की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें वो जगह पता होनी चाहिए। बोध गया में उन्हें एक पीपल ट्री के नीचे एनलाइटनमेंट मिली थी, और नदी थी हमारी निरंजना। अश्वरोही, चत्रधरी
एंड चक्रविक्रम कॉइन्स ये किनके द्वारा दिए गए थे? तो चंद्रगुप्ता टू है, उन्होंने ये कॉइन्स इशू किए थे। और देखिए गुप्ता पीरियड में क्या होता था, गोल्ड कॉइन्स बहुत सारे इशू किए जाते थे, उसे गोल्डन एज भी बोला जाता है, राइट। गवर्नमेंट कंट्रोल्स द प्राइसेस ऑफ ड्रग्स थ्रू विच ऑर्डर? तो ड्रग प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर 2013 इसका आंसर होगा। और यहाँ पे प्राइसेस ऑफ ड्रग्स क्यों कंट्रोल किए जाते हैं, क्योंकि एकदम एक्सेस अमाउंट में कोई चार्ज ना करे और हेल्थ पे जो है बहुत ज़्यादा दवाइयों पे या फिर सर्जरीज पे ऑपरेशंस पे काफ़ी ज़्यादा स्पेंडिंग होती है लोगों की, तो इसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ ये न्यूज़ आई है कि प्राइस जो है 651 एसेंशियल ड्रग्स के वो नीचे आ चुके हैं, गिर चुके हैं, ओके। चलिए, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट जो है ये पास हुआ था 1856 में, और लॉर्ड डलहौजी के वक्त जो है ये पास हुआ था 1856 के बाद 1857 की लड़ाई भी हुई थी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है रीमैरिज एक्ट से रिलेटेड, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हु लेड द वेदारण्यम मार्च इन 1930? किन्होंने लेड किया था? सॉल्ट सत्याग्रह जो है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से किया गया था और बहुत सारी पर्सनालिटीज इन्वॉल्व थी। तो यहाँ पे सी राजा गोपालचारी जो है इन्होंने इसे शुरू किया था और इसे वेदारण्यम मार्च का नाम दिया गया, ये सॉल्ट सत्याग्रह को रिप्रेजेंट करता है। चलिए, हु गिव द टाइटल बापू टू महात्मा गांधी? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया था, तो आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने बापू बोला था 1946 में अपने सिंगापुर रेडियो का जो उन्होंने प्रोग्राम किया था उसमें, और बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है ये। अगर आपको सुभाष चंद्र बोस नहीं पता होता तो आप इनमें से वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू में से कोई एक ऑप्शन ज़रूर टिक करते हैं। इसीलिए न्यूज़ को अच्छे से कवर करना बहुत ज़रूरी है एग्जाम परस्पेक्टिव से। तो अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन स्टडी हार्ड स्टडी वेल एंड Take care.